नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोहाइड्रेट ग्लूकोज। इससे पहले भी पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण पढ़े, आप केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं मोनोहाइड्रेट ग्लूकोज के। सर देखिए, जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सभी मोनोहाइड्रेट ग्लूकोज के हैं, माने मेथिल ग्लूकोज की भी यही रिएक्शंस हैं, एथिल ग्लूकोज की भी यही रिएक्शंस हैं, प्रोपिल ग्लूकोज की भी यही रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो एक ही बार में समझेंगे इसके रिएक्शंस क्या है। फर्स्ट है रिएक्शन विद सोडियम मेटल, सोडियम धातु से अभिक्रिया, रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड, फास्फोरस के हैलाइड से अभिक्रिया। ठीक है, इसका डिहाइड्रेशन, एल्कीकरण, एसिलीकरण और एस्टरीकरण, ये जो है मुख्य अभिक्रियाएं हैं। तो इन अभिक्रियाओं को क्रमशः देखते जाइए। सबसे पहले रिएक्शन विद सोडियम मेटल, सोडियम मेटल ने हमने क्या किया कि आर ओ एच, भाई हमारा मोनोहाइड्रेट ग्लूकोज है ना, तो हमें यहां से कोई क्लियर तो है नहीं कि मेथिल ग्लूकोज लेना है या एथिल ग्लूकोज लेना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे आर एच मान लेंगे, आर ओ एच प्लस सोडियम मेटल, यानी रिएक्शन करा दीजिएगा। तो जब रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम का विस्थापन होगा हाइड्रोजन द्वारा, तो जब विस्थापन होगा तो क्या हो जाएगा आर सिंगल बॉन्ड ओ एन ए प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अब क्या करेंगे संतुलित करने के लिए, अब क्या करें कि इसमें दो का गुणा करेंगे, यहां पे दो का गुणा करेंगे और यहां चेक कर लीजिएगा क्लियर हो जाएगा, हाइड्रोजन दो, ये सब क्लियर हो गया। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि R के स्थान पे CH3 भी मान सकते हैं और C2H5 भी ले सकते हैं। जब R के स्थान पे CH3 लिया जाएगा तो यहां क्या हो जाएगा मेथिल ग्लूकोज मीन्स CH3OH प्लस Na रिएक्शन CH3ONa प्लस हाइड्रोजन गैस, और सेम प्रोसेस वही टू का मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया। तो यहां क्या बनेगा मेथिल ग्लूकोज, मेथिल ग्लूकोज की जब रिएक्शन सोडियम मेटल से कराएंगे तो क्या हो जाएगा सोडियम मेथॉक्साइड, क्या नाम हो जाएगा सोडियम मेथॉक्साइड। अच्छा, यहाँ पर सी एच थ्री ना लेके अगर हम सी टू एच फाइव लिए होते तो एथिल ग्लूकोज होता, जब ये एथिल ग्लूकोज होता तो क्या बनता है यहाँ पे बोलिए सोडियम एथॉक्साइड बनता, सी टू एच फाइव ओ एन ए मतलब सोडियम एथॉक्साइड बनता, क्लियर हो गया। ठीक है, इसका सेकंड रिएक्शन है तुम्हारी रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड। अब फास्फोरस के हैलाइड की बात आई है तो फास्फोरस के हैलाइड एक तुम्हारा पी एक्स थ्री होता है, पी एक्स फाइव होता है। ठीक है, अब भाई फास्फोरस की संयुक्ता तीन और पांच वाला ये तो प्रोसेस होता है, तो पी एक्स थ्री होगा, पी एक्स फाइव होगा। अब x के स्थान पे हम Cl ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा PCl3 से रिएक्शन भी दिखानी है हमको और PCl5 से भी रिएक्शन दिखानी है। ठीक है, तो यहां से क्या है कि हमने क्या किया R OH, सिर्फ एल्किल समूह R ही लेंगे, उसी से रिएक्शन सारी देख लेंगे, R OH प्लस PCl3, क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें चेंजमेंट क्या होनी है, जब एल्कोहल समूह पर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की अभिक्रिया होती है तो निश्चित रूप से तुम्हारा बनता है आर्थो फास्फोरस अम्ल H3PO3। ठीक है, तो वही रिएक्शन यहां दिखा देंगे, और एल्कोहल ग्रुप जो होता है वो चेंज हो जाता है किसके द्वारा Cl ग्रुप द्वारा, तो यहां से हो जाएगा RCl प्लस आर्थो फास्फोरस अम्ल H3PO3, क्लियर होगा। गुणा करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन तीन है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे तीन का गुणा करेंगे, एल्किल समूह तीन होगा तो यहाँ पे तीन का गुणा करेंगे, सीएल के तीन होगा पहले से है तो यहाँ से क्लियर हो गया। ठीक है, अब क्या कि अगर हम यहां से पीसीएल थ्री ना लेके पीसीएल फाइव लें तो क्या हो जाएगा आर ओ एच प्लस पीसीएल फाइव रिएक्शन करेंगे। अब रिएक्शन करेंगे तब भी दोनों का सेम प्रोसेस है कि जब एल्कोहल ग्रुप पर PCl3 या PCl5 की अभिक्रिया होती है तो एल्कोहल ग्रुप जो होता है वो चेंज होता है किसके द्वारा Cl ग्रुप द्वारा, तो हो जाएगा RCl प्लस, अब यहां से आर्थो फास्फोरिक फास्फोरस अम्ल बनता है, इसके स्थान पे देखिए चेंज क्या होता है POCl3 बनता है प्लस HCl, जो POCl3 होता है ये होता है फास्फोरिल क्लोराइड, क्या होता है
फॉस्फोरिल क्लोराइड संतुलित करेंगे तो ये पहले से संतुलित हुई होती है। R बराबर यहां भी वैल्यू लगा सकते हैं, अगर हम यहां पे R बराबर CH3 भी लगा सकते हैं और C2H5 भी लगा सकते हैं। अगर C2H5 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां से C2H5 OH प्लस PCl5 रिएक्शन C2H5 Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, क्लियर। अगर यहां से एथिल अल्कोहल ना लेके हम मेथिल अल्कोहल ले, CH3 वाला ले, मेथिल अल्कोहल ले, तो यहां हो जाएगा मेथिल क्लोराइड, क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर डिहाइड्रेशन की, निर्जलीकरण की। निर्जलीकरण के लिए हमें आवश्यकता होगी एक निर्जली कारक की और निश्चित रूप से जल पृथक होगा। देखिए यहां से क्या था, हम एथिल अल्कोहल सब्ट्रैक्ट कराते हैं C2H5OH प्लस कंसंट्रेट H2O4 से क्रिया कराई, H2O4 कैसा था कंसंट्रेट सान, ठीक है। एक हमने यहां से निर्जली कारक ले लिया जिंक क्लोराइड ZnCl2, एनहाइड्रस होना चाहिए, निर्जल होना चाहिए। तब क्या कराते हैं तो देखिए क्या होता है, यहां से ये, यहां से हाइड्रोजन और यहां से ऑक्सीजन, ये पृथक हो जाता है, H2 निकल जाता है, तो टोटल हमारे पास बचता है C2H5HSO4 प्लस H2O, क्लियर हो रहा है। H2 और ये O, H2 निकल गया, क्या बचा C2H5HSO4 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, क्या बन रहा है यहां से एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, क्लियर हो रहा। अब यही जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना है तुम्हारे पास C2H5HSO4, ये जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना है इसको हम क्या करें, कम दाब पर गर्म करेंगे, कम दाब पर गर्म किया, ठीक है। जब इसको कम दाब पर गर्म करते हैं तो इसके दो मोल लिए जाते हैं, दो मोल लेने का यही कारण है कि जो C2H5HSO4 है जब यहां से दो मोल लिए जाएंगे तो एक बार यहां से क्या होगा तुम्हारा H2SO4 जो होगा वो तुम्हारा पृथक हो जाएगा, तो पृथक हो जाएगा तो क्या बचेगा, देखो C2H5 दो बार है ना, यहां से दो बार है तो यहां से क्या हो गया C2H5 का होल ट्वाइस, क्लियर। और उसके बाद SO4, अब देखिए SO4 दो बार था, एक बार लिखा गया तो इसका होगा भी एक बार SO4 बचा है ना, H दो बार था और एक बार भी नहीं लिखा गया, तो एक बार भी नहीं लिखा गया है, इसका मतलब क्या हो गया दो बार बचा होगा और एक बार SO4 बचा होगा, तो यही तुम्हारा जो H2SO4 रिएक्शन करता है वही तुम्हारा जो होता है यहाँ से पृथक हो जाता है। मींस इस रिएक्शन को हम दो पृथक पृथक रिएक्शनों में दिखा सकते हैं या फिर इसको एक सिंगल रिएक्शन में भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये था तुम्हारा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, अब यहां से बनेगा डाई एथिल सल्फेट, क्या बनेगा डाई एथिल सल्फेट, क्लियर हो रहा है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा देखिए और भी इसकी क्या है, अगर हम यहां से एथिल हाइड्रोजन सल्फेट लें C2H5HSO4 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, अगर यहां से एथिल हाइड्रोजन सल्फेट लें और इसकी रिएक्शन करा दी जाए एथिल अल्कोहल से, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की रिएक्शन एथिल अल्कोहल से करा दी जाए, अच्छा अब देखिए इसी रिएक्शंस को तो पढ़ रहे हैं, इसमें एथिल अल्कोहल से क्रिया थी तो एथिल अल्कोहल ही दोबारा यूज में आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया एथिल अल्कोहल की अधिकता में क्रिया हो रही है, क्लियर हो रही। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक कोई कारक दो बार आता है तो समझ जाएंगे कि उसी की अधिकता में क्रिया हो रही है, तो ये रिएक्शन किसमें होती है एथिल अल्कोहल की अधिकता में, और इसको क्या किया हमने गर्म करना शुरू किया, ठीक है। और गर्म किया कितने तक 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको गर्म किया, जब 140 तक गर्म किया तो होना क्या है कि यहां से HSO4 और यहां से H निकल दिया तो क्या बचा C2H5OC2H5 डाई एथिल ईथर, क्या बना डाई एथिल ईथर प्लस, क्लियर हो HSO4 और यहां से H मतलब
H2SO4 फिर से पृथक हुआ और हमारा बना क्या, डाइएथिल ईथर। अच्छा एक रिएक्शन ये हाई स्कूल में भी पढ़ी थी, इसको देख लीजिएगा कि ये C2H5SO4 था हमारे पास, C2H5SO4 था और इसको हमने गर्म किया 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक। अगर हम गर्म करते हैं तो क्या चेंज होता है, यहाँ से हाइड्रोजन पृथक हो जाती है तो बचता C2H4 और प्लस जो हाइड्रोजन पृथक हुई वही H2SO4 में आ गई H2SO4, ये बनेगा एथिलीन बन जाएगा। अब क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसकी कई रिएक्शंस थी, एथिल अल्कोहल की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, सान सल्फ्यूरिक अम्ल से नीली कारक लगाया गया, यहां से जिंक क्लोराइड, तब जब क्या बना एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को क्या किया गया, कम दाब पर गर्म किया गया तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट चेंज हो गया डाइएथिल सल्फेट में और सल्फ्यूरिक अम्ल फिर से निकल गया। अच्छा जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट था इसको एथिल अल्कोहल की अधिकता में गर्म किया गया 140 डिग्री सेंटीग्रेड, ये ध्यान रखेंगे, इसको जब 140 गर्म करेंगे तो डाइएथिल ईथर बनेगा, 160 से 170 ले जाएंगे तो एथिलीन बनेगी। इन दो रिएक्शंस को ध्यान रखिएगा, क्लियर। अच्छा इसके बाद एक ये रिएक्शन है तुम्हारी एल्किलीकरण, एल्काइलेशन। तो एल्किलेशन तो यही रिएक्शन है, इसको देख लीजिएगा, ये जो रिएक्शन दिख रही है इसलिए यही तुम्हारी एल्किलेशन है, तो इसको अलग से नहीं दिखाया जाएगा, इसको समझ लेंगे। ऐसे एक नया आता है तुम्हारा एसिलीकरण। एसिलीकरण देखिए क्या होता है, कोई एक एसिटिल एसिलीकरण मतलब एसिल समूह से क्या होती है, तो एसिल समूह होता क्या है, एसिल समूह COX, ठीक है, सिंगल बॉन्ड COX से। तो यहां से क्या करेंगे, हमने एथिल को ले लिया C2H5OH और अपने कर रहे हैं एसिलीकरण कर रहे हैं ना, एसिलेशन। तो एथिल अल्कोहल प्लस एसिटिल ग्रुप की क्रिया करा दी CH3COCl, बिल्कुल सिंपल सा, यहां से हाइड्रोजन पृथक किया, यहां से Cl पृथक किया और दोनों निकल करके पहुंच गए HCl, क्लियर हो गया। अब अच्छा क्या CH3COOC2H5, ये क्रिया कौन सी है, एसिलीकरण, ठीक है, क्योंकि इसमें एसिटिल समूह से अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, इसको नाम समझ लेंगे एथिल एसीटेट। इधर उधर एथिल, इधर एसीटेट, क्लियर हो रहा, ठीक है। लास्ट अभिक्रिया तुम्हारी आ रही है एस्टरीकरण, ठीक है। एस्टरीकरण देखिए क्या, एस्टर पता है, एस्टर बनना चाहिए, एस्टर कैसे बनेगा, एल्कोहल की अभिक्रिया कैसे कराए, कार्बोक्जिलिक अम्ल से, तो एल्कोहल की अभिक्रिया कराई C2H5OH प्लस कार्बोक्जिलिक अम्ल, माने कोई भी COH वाला ले सकते हैं, तो दो ही ले लिया CH3COH ले लिया, रिएक्शन करा दी। इसमें तो सबको पता चल गया आपका होना है, यहां से हाइड्रोजन हटेगा, यहां से OH हटेगा, तो H और OH मिलकर क्या हो जाएगा H2O, ये सेम रिएक्शन हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा CH3COOC2H5, यहां से हाइड्रोजन, यहां से OH मिलकर H2O, तो ये भी वही बना था एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट जो है वो क्या है, वो एस्टर है, और एस्टर बनाने की ये क्रिया है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एस्टरीकरण, एस्टरीफिकेशन, क्लियर, ओके।